के बीच में जाते हैं लोग, एक ही बात बार बार बोलते हैं, जी मशीन देख लेना, ईवीएम देख लेना। ऐसी चुनाव प्रणाली जिसके ऊपर लोगों को ही भरोसा ना हो, तो वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है पूरे लोकतंत्र के ऊपर। आज एक पार्टी को छोड़ के इस देश की सारी पार्टियां और इस देश के लगभग सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि मशीनें गड़बड़ हैं, ईवीएम गड़बड़ है। इस देश के सारे लोग तो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन चूंकि अभी संभव नहीं है तो कम से कम काउंटिंग तो कर लो। जो पर्चियां निकालते हो, वो पर्चियां निकालते क्यों हो फिर? वो वीवीपैट रख क्यों रखी है फिर? अगर वीवीपैट की पर्चियों की काउंटिंग ही नहीं करनी तो जनता ये पूछ रही है फिर ये मशीनों पे खर्चा ही क्यों करा था? वहां पे सजा के रखने के लिए थोड़ी करा था। तो उन पर्चियों की काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो एक ही पार्टी है जो पूरे देश के अंदर सारे देश की सारी जनता, यहां तक कि बीजेपी के वोटरों से भी जब हम बात करते हैं, वो भी कहते हैं हाँ जी इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, काउंटिंग तो होनी चाहिए। तो देश की सारी जनता चाहती है, देश की सारी पार्टियां चाहती है, केवल एक पार्टी इसके खिलाफत कर रही है कि ईवीएम की पर्चियों की काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। और वो पार्टी क्यों खिलाफत कर रही है? क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचता दिख रहा है। अभी तक आप इतने सारे पत्रकार यहां बैठे हैं, आप लोगों को काफी अनुभव है, आपको काफी जानकारी है। पिछले 5 साल में एक मशीन अगर पूरे देश में कहीं ऐसी खराब हुई हो जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी के अलावा किसी को और को वोट पड़ाओ। जहां मशीन जो भी खराब होती है उसको हमेशा वोट बीजेपी पे ही पड़ता है, खराब मशीनों पे। ऐसा क्यों है? ये कोई मशीन का जो खराब होना है वो भी प्रोग्रामड तो नहीं है कि भाई प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि खराब ऐसे होएगी कि वोट बीजेपी को ही पड़ेगा? तो ये मशीनें खराब नहीं होती हैं, वो मशीनों को प्रोग्राम इस तरह से किया जाता है कि वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। तो उनमें दो चार पकड़ी जाती हैं, तो जब पकड़ी जाती है तो कहते हैं मशीन खराब थी ये वाली। आज तक किसी भी खराब मशीन की जांच नहीं हुई कि भाई ये क्यों खराब थी, कहाँ खराब हुई, किसने खराब करी, ऐसा क्यों हो गया कि सारा कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जा रहा है, ऐसा क्यों हो गया? ये तो टेक्नोलॉजी है ना, मैं भी इंजीनियर हूं, थोड़ा बहुत समझता हूं टेक्नोलॉजी को। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मशीन खराब बीजेपी के पक्ष में ही हो। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई जांच नहीं करते। अभी जो आंध्र प्रदेश के अंदर हो ये बहुत ही खतरनाक है, जो चंद्रबाबू नायडू जी ने बताया कि मशीनें इतने घंटे तक खराब कर दी कि इनकी क्या साजिश है। साजिश ये है जो बूथ भाजपा के खिलाफ है, सबको पता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पता है ये बूथ हमारे पक्ष का है, ये बूथ हमारे खिलाफ है, यहां हमें वोट पड़ने वाले हैं या नहीं पड़ने वाले। जो बूथ भाजपा के खिलाफ है वहां मशीन खराब कर दो, 4 घंटे मशीन खराब रहेगी, सब थक थका के लाइनों में लग के घर चले जाएंगे, वोट परसेंटेज कम हो जाएगा। आप सोच सकते हो कि सारी सारी रात लोगों ने आंध्र प्रदेश के अंदर लाइनों में खड़े होकर सुबह 4 बजे तक वोट डाले हैं, क्या कसूर था उनका? 4-4 बजे तक क्यों उन लोगों को लाइन में खड़ा किया गया? किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि नहीं की जाएगी? अभी मैं देख रहा था चार्ट जो चंद्रबाबू नायडू जी ने दिखाया है, 3 बूथों के ऊपर सुबह 4:30 बजे तक वोट पड़े, 5 बूथों के ऊपर सुबह 3:20 तक वोट पड़े, 250 बूथ 256 बूथों के ऊपर रात को 10 बजे तक वोट पड़े। ये चुनाव हो रहा है कि मजाक हो रहा है? आप लोगों ने टीवी खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खरीदते हो, इतनी बड़ी संख्या के ऊपर कभी टीवी खराब हुए? इतनी बड़ी संख्या में कभी रेफ्रिजरेटर कंपनियां बंद हो जाती हैं? और ये ईवीएम रोज खराब हो रही है, मतलब पूरी की पूरी ईवीएम खराब, इतनी ईवीएम खराब। ईवीएम एक छोटी सी टेक्नोलॉजी है, छोटी सी माइक्रोचिप है उसके अंदर, तो खराब हो नहीं रही है। ईवीएम का खराब होना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन बन गया इस देश के अंदर। ईवीएम खराब की जा रही है, जानबूझ के ईवीएम खराब की जा रही है, ईवीएम खराब की जा रही है वोटर्स ऑपोजिशन के वोट को सप्रेस करने के लिए, ईवीएम खराब की जा रही है भाजपा को वोट डलवाने के लिए।
दोनों तरह से ईवीएम खराब की जा रही हैं और ईवीएम के ऊपर इस देश के लोगों का भरोसा अब नहीं बचा है। और आखिरी बात, सारी बातें अभिषेक जी ने, कपिल जी ने, चंद्रबाबू जी ने कह दी, लेकिन इस अभी जो निकल के आ रहा है इतने मास स्केल के ऊपर जो वोटर्स के डिलीशन हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली के अंदर 30 लाख वोटरों के नाम कटवा दिए, ये तो हमें टाइम पे पता चल गया, ऊपर वाले का शुक्र है 6 महीने पहले पता चल गया, हमने कईयों के जुड़वा दिए। 30 लाख दिल्ली में कटवा दिए, 25 लाख तेलंगाना में कटवा दिए, ऐसे चुनाव जीतेगी बीजेपी? ये तरीके उनके चुनाव जीतने के बीजेपी के? हिम्मत है तो मैदान में आओ ना, कहते हैं हम मर्द हैं, आओ मैदान में फिर लड़ो चुनाव ढंग से, ईमानदारी से लड़ो चुनाव।